हाय फ्रेंड, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बेसन के लड्डू बनाना सिखाऊंगी। देखिए, मैंने यहाँ अमूल का देसी घी लिया है। अगर आपके पास घर का घी है तो आप उसको ले सकते हो। देखिए, अब इसमें मैं बेसन डालूंगी। ये आधा किलो का बेसन है। घी को थोड़ा सा मेल्ट हो जाने देंगे। ये देखिए, तो मैं आधा किलो ये और यहाँ पर आधा किलो से थोड़ा सा कम है, तो मान के चलिए कि 800 ग्राम के लगभग बेसन में ले रही हूँ। अब इसको हम इसमें डालेंगे और अच्छे से भुनेंगे। और आपको धीमी आंच पे ही इसको भुनना है, जिससे कि बेसन आपका जले ना और अच्छे से अंदर तक पक जाए। ये देखिए, मैं गैस की फ्लेम को मीडियम कर देती हूँ और मीडियम आंच पे हमको इसको अच्छे से पकाना है। चलाते रहना है, आपको बने रहो मेरे चैनल पे। देखिए, आप इसको चलाते रहिए जिससे कि इसमें गुठली ना पड़े, और इसको अच्छे से आपको भूनना है। अब देखिए, आपको भी थोड़ा थोड़ा इसमें इस तरह से घी डालते रहना है जब तक घी खत्म हो जाए। पूरे हलवे में इसको बेसन के इस तरह से मिश्रण में इसको मिला देना है और इसको अच्छे से धीमी धीमी आंच पे भूनते रहिए, क्योंकि आपका बेसन बहुत अच्छे से भुना होना चाहिए अगर आपका लड्डू जो अच्छा बहुत अच्छा बनेगा। जल रहा है, ये देखिए, इसको मैं धीमी धीमी आंच पे आपको चलाते रहना, क्योंकि इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और थोड़ा थोड़ा घी बीच बीच में डालते रहिए, लगे इसमें एकदम सुंदर सुंदर खुशबू आने लगेगा। देखिए, इसको चलाते रहिए। जैसे ही आपका बेसन पकेगा ना, अपने आप थोड़ा थोड़ा घी भी छोड़ेगा। इस तरह से इसको चलाते रहिए। अब इसमें आपको हल्दी पाउडर डालना है इसमें, जिससे कि ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बन जाएगा। देखिए देखिए, इससे बहुत अच्छा कलर भी आएगा बेसन के लड्डू में। इसे चलाते रहिए। अब देखिए, इसमें हम फिर थोड़ा सा घी डालेंगे। आपको भूनते जाना है और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा घी आपको डालना है। अगर आप एक ही बार में घी डाल दोगे ना, तो आपका बेसन का लड्डू अच्छा नहीं बनेगा, इस चीज़ का आप ध्यान देना। और फिर इसको हम चलाएंगे अच्छे से। ये देखिए, धीमी ही आँच पे ये सारी चीज़ें आपको करनी है, इस चीज़ का बस आप ध्यान देंगे। और ऐसे चलाते जाएंगे। इस तरह से आप देख रहे हो ना, ये धीरे धीरे घी छोड़ा है, आप देख सकते हो। ये देखो, इसी तरह से आप इसको चलाते जाइए और ये भी बहुत अच्छे से घी छोड़ेगा। ये देखिए, मैंने बादाम और नारियल को ग्राइंड कर लिया और इसको कपड़े से मैंने गाड़ लिया है। ये देखिए, बस हम इतना इसमें बादाम और नारियल डालेंगे ग्राइंड करके। अगर आपको आपको छोटे छोटे पीसेस में कट कट करके डालना है, तो आप उसको भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी। अब देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा घी और डालूंगी। देखिए, और फिर इसको चलाऊंगी।
और इसको अच्छी तरह से मिलाऊंगी। इस तरह से आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा घी डालते रहना है। अब देखिए इसमें हम थोड़ा घी और डालेंगे, देख सकते हो। फिर इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। इस तरह से आपको थोड़े थोड़े करके घी मिलाते रहना है। ये देखिए, अभी धीरे धीरे घी छोड़ रहा है। जैसे जैसे धीमी आंच पकाएंगे ना, अभी धीरे धीरे पक रहा है, एकदम सोनी सोनी खुशबू आ रही है। आप कमेंट करके बताना आपको आ रही है कि नहीं, मुझे तो बहुत आ रही है। ये देखिए जो भी थोड़ा बहुत घी बचा है उसको इसमें डाल देंगे। ये देखिए है ना, ये देखिए एकदम, देखिए घी के चलते ये पीसेस की तरह हो रहा है। ये देखिए बेसन इसी तरह धीमी आंच पे पकाते रहिए, धीरे धीरे ये जो है घी छोड़ना शुरू कर देगा थोड़ी देर में। ये देखिए, और हाँ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये भले ही 5-6 मिनट की वीडियो लगती है पर इसको बनाने में 1 से 1.5 घंटा लगता है, तो आप परेशान मत होना। ये देखिए इसको इसी तरह से आप चलाते रहिए, घूमते रहिए, धीरे धीरे जो बेसन है ना वो घी छोड़ना शुरू करेगा। ये देखिए हमारा जो बेसन है ना वो अच्छी तरह से घूम चुका है और इसने घी भी छोड़ दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हो बेसन जो है घी छोड़ चुका है, यही इसकी पहचान है, इसी से आप पहचाना कि बेसन भून चुका है। देखिए ये देखिए, अब इसको हम परात में निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने इसको परात में निकाल लिया है। अब इसको आपको किसी बर्तन से अच्छे से मिलाना है। बने रहिए मेरे चैनल पे। देखो देखिए इस तरह के बर्तन से आप जो बेसन लिया ना इसको इस तरह से आपको करना है, क्योंकि गर्म है ना तो आप पांच नहीं करेंगे, हाथों पर जल जाएगा। इसको इस तरह से आपको कम से कम 20 मिनट तक, जिससे कि आपका जो लड्डू है ना वो बहुत ही यमी बनेगा। देखिए तरह से, क्योंकि आपका मिश्रण थोड़ा गर्म है ना इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आपको इसको मैश करना है। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए कितना स्मूथ हमारा बेसन होता जा रहा है। ये देखिए कैसे घी छोड़ रहा है और ये बहुत ही अच्छा लड्डू बनेगा। आपने इतना टेस्टी लड्डू कभी नहीं खाया होगा, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। और एक गणेश चतुर्थी के अवसर पर मैंने ये लड्डू बनाया है अपने गणु जी के लिए, अपने गणेश भगवान के लिए। अब देखिए इसमें हम भूरा डालेंगे। ये देखिए जैसा भी आप मीठा खाते हैं आप उसके हिसाब से डालिएगा। और भूरा डाल के इसको अच्छी तरह से इसी तरह से मिलाना है। देखिए मिश्रण थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अब इसको हम हथेली से मिलाएंगे। आप इसको जितने अच्छे से मथेंगे ना आपका लड्डू उतना ही अच्छा बनेगा। कुछ इसी में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है।
करना है इसको। देख सकते हो ना धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा घी छोड़ रहा है, ये देखिए, ये देखिए, यही इसकी खासियत है, इसलिए इसको मिलाना पड़ता है। अब देखिए ये हल्का सा मतलब ठंडा हो चुका है, अब आपको हथेली से इस तरह से इसको करना है। और मैंने स्वाद अनुसार इसमें बूरा डाल दिया है, अब जैसा मीठा खाते हो उसी हिसाब से आप डालना। बीच बीच में आप थोड़ा सा टेस्ट करके देखना, थोड़ा थोड़ा बूरा डालते जाना और उसको टेस्ट करना, क्योंकि कोई ज़्यादा मीठा खाता है कोई कम मीठा खाता है, उसके हिसाब से आप बूरा का यूज कीजिएगा। ये देखिए टू स्टार्ट। देखिए अब आपको बेसन को इस तरह से आप दोनों हथेली में ले सकते हैं। ये देखिए, और इसके बाद आप हथेलियों को इस तरह से दबाइए इस तरह से, देखिए हमारा लड्डू बनके तैयार हो गया। और यहाँ देखिए मैंने बहुत सारे लड्डू बनाए हैं, और ये बहुत ही टेस्टी लड्डू बना है। ये देखिए आपको दोनों हथेली में लेना है बराबर क्वांटिटी में, और इसको इसको इस तरह से आपको दबाना है हाथ को अपनी उंगलियों को, और इस तरह से इसे गोल करते जाइए। देखिए ये देखिए हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए। ये देख सकते हो देखिए इस तरह से आप इसके ऊपर काजू लगा दीजिए, बादाम जो भी आपको पसंद है वो लगा दीजिए इस तरह से, इससे आपका बेसन का लड्डू बहुत ही खूबसूरत दिखेगा और खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। हमारा बेसन का लड्डू बनके तैयार हो गया, आप देख सकते हो कितना यम्मी बना है ना। आप कमेंट करके बताना कि आपको मेरा बेसन का लड्डू कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आपके सामने लाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।